हेलो स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट इज ऑन टाइप सिक्स। टाइप सिक्स पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली उसकी बेसिक्स आपको पता लग गया होगा कि क्या कुछ चेक करते हैं। सिर्फ अलजेब्रिक पावर्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली चार टर्म्स होनी चाहिए, दो डीएक्स की दो डीवाई की, और एक्सटेंडेड फॉर्म में वो रिड्यूस होने चाहिए। अगर ये तीनों कैपेबिलिटी है तो टाइप सिक्स लगेगी। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए थोड़ा एफर्ट ज्यादा है उसमें। चलो जो भी करना है, ठीक है। तो टाइप सिक्स स्टार्ट करते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन को देखते ही पता जाता है ये टाइप सिक्स लगने के लायक है भी कि नहीं। पहले तो सिर्फ एक्स वाई की पावर्स होनी चाहिए, ठीक है, एक्स वाई की पावर्स है, उसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा सिर्फ चार टर्म्स होनी चाहिए। तो ठीक है, वाई स्क्वेयर दो डी एक्स की टर्म्स है और दो डी वाई की टर्म्स है, तो चार टर्म्स हैं और दो डी एक्स की हैं, दो डी वाई की हैं। तीसरी मेन रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जो मैंने बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मेन है, तो फिलहाल लग रहा है कि टाइप सिक्स लग जाएगी। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्वेश्चन गिवन है आपको, आपको पता है कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो एग्जैक्टनेस के लिए चेक करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वी गेट, यहां से आपको एम मिला, यहां से आपको एन मिला। M का हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव इज़ टू y करते हैं और n का पार्शियल डेरिवेटिव इज़ टू x करते हैं। वो इक्वल नहीं आए, इसीलिए जैसे ही वो इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसे ही नॉन एग्जैक्ट पता लगी तो मेरे पास टोटल छह तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें टाइप वन क्या होते हैं आपको पता है, इंस्पेक्शन मेथड, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, होपफुली वो यहां फेल हो जाएगा। टाइप टू लगाने के लिए आपको एम और एन होमोजीनियस चाहिए। एम की डिग्री चेक कीजिए, यहाँ टू है यहाँ थ्री है, तो एम ही खुद ही होमोजीनियस नहीं है तो टाइप टू तो लगेगा ही नहीं, बात ही खत्म। टाइप थ्री लगाने के लिए डीएक्स के साथ कॉमन में वाई चाहिए, तो डीएक्स के साथ कॉमन में वाई आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, डीएक्स के साथ कॉमन में वाई आ सकता है, ठीक है। एक ट्विस्ट मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे चलो मैं बता ही देता हूँ कि पता कैसे लगेगा टाइप टू लगेगी टाइप थ्री लगेगी नहीं। तो ठीक है, वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा वाई प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स प्लस, उसमें से एक्स कॉमन लीजिए, टू एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, वाई के साथ डी एक्स आ रहा है, ठीक है, एक्स के साथ डी वाई आ रहा है, ठीक है, और बाकी जो टर्म्स बची वो एक्स वाई में बची, ठीक है, ओके। तो ओके तो अब इसके बाद, अब टाइप थ्री की पहचान, दूसरी पहचान क्या, पहली पहचान तो ये है कि वाई डी एक्स आना चाहिए, एक्स डी वाई आना चाहिए और यहाँ एक्स वाई की नंबर बचनी चाहिए। दूसरी पहचान, यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट है उसमें सेम पावर्स होनी चाहिए, सेम पावर्स चेक कीजिए, ऑलमोस्ट सेम पावर्स है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ वाई है, तो यहाँ भी वाई है, तो इसका मतलब यस वी कैन मूव विद फर्दर विद टाइप थ्री। तो टाइप थ्री के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं वन ओवर एम एक्स माइनस एन वाई से, उसके बाद चेक कर सकते हैं वो एग्जैक्ट बनी कि नहीं बनी। अगर वो एग्जैक्ट बन जाएगी तो इसका मतलब टाइप थ्री लगी गई, फिर तो टाइप सिक्स पे आने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर वो नहीं लगेगी तो आपको आगे मूव करना पड़ेगा, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि फिलहाल वो नहीं लगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइप सिक्स कवर करानी है तो इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ओके तो अभी देखने से पता नहीं लग रहा कि टाइप थ्री लगेगी या नहीं लगेगी। टाइप फोर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं और टाइप फाइव के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखने से ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा कि अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। बट जनरली क्वेश्चन को देखते सार पता लगता है चार टर्म्स हैं, दो डीएक्स की हैं, दो डीवाई की हैं, तो इस पर टाइप सिक्स तो लग ही जाएगी, तो इसलिए हम जनरली इनको स्किप मार देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी कॉल है, तो आप जब है ना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फटाफट पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन पे किस तरह की टाइप लगनी चाहिए। चलो नाउ टाइप सिक्स इज, टाइप सिक्स क्या कहती है, चार टर्म्स होनी चाहिए, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई एक्स क्यूब डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब चार डी एक्स की टर्म है, सॉरी चार टर्म्स है, दो डी एक्स की दो डी वाई की, आपने पेयरिंग करनी है एक डीएक्स की और एक डीवाई की इस तरह से कि आपके पास एक्स और वाई की पावर कॉमन आ जाए और अंदर सिर्फ वाई डीएक्स बचे और एक्स डीवाई बचे, ये मेन रिक्वायरमेंट है। बाहर एक्स वाई की पावर जो मर्जी कॉमन आए बट अंदर वाई डीएक्स और एक्स डीवाई बचना चाहिए। चेक करें, अगर लेट्स सपोज मैं इसको
इसको मैंने जो पेयरिंग की है इसमें फर्स्ट और फोर्थ की है और सेकंड और थर्ड की है वो बता देता हूं, बट मैं इसके अलावा दूसरी पेयरिंग क्या बनती थी, मैं वाई स्क्वायर डी एक्स को और फर्स्ट और थर्ड को पेयर करता टू एक्स क्यूब डी वाई को। आप अगर इसका पेयर करते हैं तो देखिए, अगर मान लो मैं इसको और इसको पेयर करता तो इसमें से कभी कुछ कॉमन आता नहीं आता, तो वाई डी एक्स और एक्स डी वाई बनता नहीं बनता। तो सीधी ही बात है, मैं फर्स्ट और थर्ड को पेयर नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली या तो फर्स्ट को थर्ड के साथ पेयर कर सकते हो या फोर्थ के साथ पेयर कर सकते हो। फर्स्ट को थर्ड के साथ पेयर करके देखा, नहीं बना पेयर उसका जो चाहिए मुझे। फर्स्ट को फोर्थ के साथ पेयर किया, फर्स्ट को फोर्थ के साथ पेयर किया तो ठीक है, इसमें से वाई अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां वाई डी एक्स बचेगा। देखो मैंने वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई में से वाई कॉमन ले लिया तो यहां वाई डी एक्स बचा और यहां एक्स डी वाई बचा, यहां एक्स डी वाई बचा, तो जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। तो ठीक है, तो दैट्स गुड थिंग अबाउट इट। तो फर्स्ट और फोर्थ का पेयर, तो ऑब्वियसली अगर पहला और चौथे का पेयर बना तो दूसरे और तीसरे का बनेगा, और तो कोई पेयर बचा ही नहीं। अब मैं सेकंड और थर्ड को पेयर बनाऊंगा तो टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब वाई डी वाई, सॉरी टू एक्स क्यूब डी वाई। तो यहां से मैं कॉमन क्या लूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आया, यहां वाई डी एक्स टू एक्स टू वाई डी एक्स बचा और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद टू एक्स डी वाई बचा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे, डोंट टेक कॉन्स्टेंट कॉमन, तो आपने कभी भी कॉन्स्टेंट को कॉमन नहीं लेना। तो जो कॉन्स्टेंट पड़ा है पड़ा रहने दो, सिर्फ एक्स वाई की पावर से कॉमन लेना है। तो मैंने यहां वाई ही सिर्फ कॉमन आया, यहां सिर्फ एक्स ही कॉमन आया। चलो अब ये ठीक है, पेयरिंग हो चुकी है जो मेरे, अब नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन टू, ये मैंने इक्वेशन टू मान ली विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टाइप सिक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, एक्स की कुछ पावर है, वाई की कुछ पावर है, एम वाई डी एक्स है प्लस एन एक्स डी वाई है। सिमिलरली प्लस में एक्स की कुछ पावर है, वाई की कुछ पावर है, एम डैश वाई डी एक्स है प्लस एन डैश एक्स डी वाई है इक्वल टू जीरो। तो यहां से इस यहां से एक्स और वाई की पावर से मुझे ए और बी मिलेगा, यहां से मुझे एम मिलेगा और यहां से मुझे एन मिलेगा। इसी तरह यहाँ एक्स और वाई की पावर से ए डैश बी डैश मिलेगा, यहां से मुझे एम डैश मिलेगा और यहां से मुझे एन डैश मिलेगा। करें स्टार्ट, यहां से ए निकाले, एक्स की पावर कितनी है यहां पे बाहर, क्योंकि एक्स की पावर से ए मिलना है, एक्स की पावर है कितनी, नहीं है कुछ भी, तो एक्स की पावर जीरो, तो ए की वैल्यू जीरो होगी। वाई की पावर कितनी है, वन, तो बी की वैल्यू वन होगी। वाई डी एक्स के आगे क्या है, यहां बाय डिफॉल्ट कॉस्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है, यहां वन है तो एम की वैल्यू वन होगी, और एक्स डी वाई के आगे क्या है, माइनस वन है, तो इसलिए एन की वैल्यू माइनस वन होगी। सिमिलरली यहां एक्स की पावर से ए डैश मिलेगा तो ए डैश की वैल्यू टू होगी, वाई की पावर से बी डैश मिलेगा तो वाई की बी डैश की, यहां वाई की पावर नहीं है तो बी डैश की वैल्यू जीरो होगी। वाई डी एक्स के साथ जो पड़ा है वो एम डैश है और यहां एन डैश है, तो एम डैश की वैल्यू टू और एन डैश की वैल्यू टू। तो ये आ गए आपके आठ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, ठीक है। अब इन आठ कॉन्स्टेंट की जरूरत कहां पड़ेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में। तो आपको पता है, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे निकलता है, कैसे होता है, एक्स की पावर एच वाई की पावर के, और एच और के कहां से निकलते हैं, इन दो इक्वेशन से, ए प्लस एच प्लस वन अपॉन एम, बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन, ए डैश प्लस एच प्लस वन अपॉन एम डैश, बी डैश प्लस के प्लस वन अपॉन एन डैश। तो यहां ए बी एम एन मेरे पास है, ए डैश बी डैश एम डैश एन डैश मेरे पास है, दो इक्वेशन हैं, एच और के बचेंगे, दो इक्वेशन हैं, दो अननोन बचेंगे, उनको सोल्व करके हमारे पास एच और के आ जाएंगे और फाइनली वो सोल्व हो जाएगा। अभी करते हैं, मैं इसको रब करके दोबारा नोट यानी सोल्व कर रहा हूं, होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा अब तक। क्लियर हो गया, तो अब तक सिर्फ एग्जैक्टनेस चेक की, उसके बाद टाइप चेक किया, वो आप वन बाय वन देख सकते हैं, उसके बाद पेयरिंग की, फर्स्ट और फोर्थ का पेयर बन रहा है, सेकंड और थर्ड का, वहां से एक्स वाई की पावर्स बाहर निकाल ली जितनी भी आ सकती थी, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई बनाए, उसके बाद वहां से जो एक्स की पावर्स है वो ए देंगी, वाई की पावर बी देंगी, वाई डी एक्स का क्वेश्चन एम देगा, एक्स डी वाई का क्वेश्चन एन देगा। जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक है, यहां कॉन्स्टेंट कॉमन आ रहा था बट आपने कॉन्स्टेंट कॉमन नहीं लेना, सिर्फ एक्स और वाई की पावर्स कॉमन लेनी है, इसके अलावा आपको कॉन्स्टेंट कॉमन नहीं लेना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपके आठ अननोन निकल चुके हैं, यानी आठ कॉन्स्टेंट्स निकल चुके हैं, दो इक्वेशंस आपको पता है, वन बाय वन इन दो इक्वेशंस में हम उनको पुट करेंगे, वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके ठीक है, अभी स्टार्ट।
जैसे बताया था कि मैं हम ये आठ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, उसके बाद आपको इनका आठ कॉन्स्टेंट को इन दो इक्वेशन में पुट करना है, ए प्लस एच प्लस वन अपॉन एम, बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन, ए डैश प्लस एच प्लस वन अपॉन एम डैश और बी डैश प्लस के प्लस वन अपॉन एन डैश, थ्री और फोर इक्वेशन में पुट करना है, यहां से आपके एच के निकलेंगे। चलो पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थ्री ए की वैल्यू पुट करो, ए पुट करो जीरो है, एच प्लस वन अपॉन एम, एम वन है, उसके बाद बी की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू वन है, के प्लस वन सेम है, अपॉन एन, एन की वैल्यू माइनस वन है, तो वो पुट किया तो जीरो प्लस एच प्लस वन अपॉन वन और वन प्लस के प्लस वन अपॉन माइनस वन। सिमिलरली फोर्थ में पुट करोगे तो वहां ए डैश जो है वो टू है, प्लस एच प्लस वन अपॉन एम डैश, एम डैश की वैल्यू भी टू है। उसी तरह बी डैश, बी डैश की वैल्यू जीरो है, क्वेश्चन में वहां देख सकते हैं आप जो ये शीट में हमने निकाली थी, प्लस के प्लस वन सेम है अपॉन एन डैश, एन डैश की वैल्यू भी टू है। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है, एच प्लस वन बचा, यहाँ के प्लस टू बचा विद ए नेगेटिव साइन, तो इसको एच प्लस वन इक्वल टू माइनस के माइनस टू, हमने एच और के को एक तरफ कर रहे हैं तो एच प्लस के हो गया ए इक्वल टू माइनस थ्री, तो इक्वेशन फाइव मान ली मैंने कि वो थ्री और फोर कंज्यूम हो चुकी हैं। इसी तरीके से यहाँ एच प्लस थ्री अपॉन टू बचा, के प्लस वन अपॉन टू बचा, टू से टू कैंसल आउट हो जाएंगे आपके, तो उसके बाद एच माइनस के, एच प्लस थ्री बचा इज इक्वल टू के प्लस वन, तो एच माइनस के इज इक्वल टू माइनस टू बचा, तो ये इक्वेशन सिक्स है। तो एच और के में मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, अब हमने इन दो इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। करें तो एच प्लस के इज इक्वल टू माइनस थ्री, एच माइनस के इज इक्वल टू माइनस टू, आपको इनको सिंप्लीफाई करना है तो मैं सिंपली ऐड कर रहा हूं उनको, तो आपको पता ऐड करने से ये प्लस के है ये माइनस के है, दे विल बी कैंसल्ड आउट, बचेगा कितना, एच प्लस एच टू एच, माइनस थ्री माइनस टू दैट इज माइनस फाइव, तो 2h की वैल्यू माइनस फाइव, तो h की वैल्यू कितनी मिली, माइनस फाइव बाय टू, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल सॉल्विंग है, इसमें कुछ अलग नहीं किया। तो अब h की वैल्यू निकल चुकी है, अब h की वैल्यू है तो फाइव में पुट कर दो या सिक्स में पुट कर दो, वहां से मुझे बचे हुए k की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर फाइव, वी गेट इक्वेशन नंबर फाइव में पुट कीजिए h की वैल्यू, माइनस फाइव बाय टू प्लस k इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये था यहाँ पे, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, k इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फाइव बाय टू, आप इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो माइनस के की वैल्यू माइनस वन बाय टू आएगी। तो अब एच की वैल्यू मेरी निकल चुकी है माइनस फाइव बाय टू और के की वैल्यू मेरी निकल चुकी है माइनस वन बाय टू। अगर आपको ये थोड़ी मुश्किल आई हो तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इवेल्युएट करके आराम से अपने आप खुद इवेल्युएट करके देख सकते हैं। तो ये आपकी एच और के की वैल्यू आई। अब इसके बाद हमने निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो टाइप सिक्स में एज वी नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो एक्स की पावर एच प्लस इंटू वाई की पावर के होता है। तो x की पावर h, h कितना है माइनस फाइव बाय टू और k, y की पावर k, k का मतलब माइनस वन बाय टू, तो ये नेगेटिव पावर है, मैं डिनोमिनेटर में ले गया उनको, तो वन बाय x की पावर फाइव बाय टू और y की पावर वन बाय टू इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आया तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद क्या करते हैं, जो आपकी इक्वेशन वन थी, जो क्वेश्चन था, आप उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नाउ बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, तो ये वन बाय एक्स रेस्ट पर फाइव बाय टू और वाई रेस्ट पर वन बाय टू से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली एक्स रेस्ट पर फाइव बाय टू नीचे आ जाएगा, वाई रेस्ट पर वन बाय टू भी नीचे आ जाएगा, दोनों टर्म्स में नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर हुआ? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो अब इसके नीचे अलग रखिए वाई स्क्वायर के नीचे। अब वाई की पावर कितनी है टू, यहां वाई की पावर कितनी है हाफ, तो 2 माइनस हाफ दैट इज 1.5, दैट इज 3 एंड हाफ बचा, सॉरी 3 एंड हाफ नहीं 3 बाय 2 बचा। तो y स्क्वायर अपॉन, जब y स्क्वायर के नीचे पूरी टर्म रखेंगे तो x सेम रहेगा, y की 2 माइनस 1 बाय 2 करोगे तो 3 बाय 2 आएगा। सिमिलरली प्लस 2 एज इट इज, अब यहां x स्क्वायर है, यहां x की पावर 2.5 है, तो अब जब नीचे पावर ज्यादा है तो नीचे हाफ पावर बचेगी x की, और y की ऊपर पावर ऊपर 1 है, सॉरी और y की पावर 1 है ऊपर और नीचे, हाँ तो y की पावर ऊपर ज्यादा है 1, यहां नीचे हाफ है तो 1 माइनस 1 बाय टू 1 बाय टू। सिमिलरली यहां पे x क्यूब, यहां 3 पावर है, यहां 2 एंड हाफ पावर है, तो आप ऊपर लेके जाएंगे 3 माइनस 5 बाय टू इट विल बी 1 बाय टू, y की पावर 1 बाय टू एज इट इज। अब इसमें बात करेंगे तो x की पावर नीचे ज्यादा है तो हम x को नीचे लेके आएंगे, तो यहां 2.5 टू एंड हाफ पावर है, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1 एंड हाफ पावर बचेगी,
और y की पावर ऊपर ज्यादा है तो y को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर हाफ ऊपर बच जाएगी, तो dy इक्वल टू जीरो। ये आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी गणित मैंने वहां नहीं किया है, तो लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं किया है। अब सिर्फ क्या बचता है, अगर आप इसको एग्जैक्ट चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इक्वेशन 7 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरली ठीक होती है, आप अच्छी बात है इसको एग्जैक्टनेस के लिए चेक करें, बट जनरली ये ठीक होती है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। टाइप 2 और टाइप 3 में मस्ट है आपको दोबारा एग्जैक्ट चेक करना। ठीक है, टाइप 4, 5, 6 में आप एक्सक्यूज कर सकते हैं। तो नाउ एज वी नो दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 विल बी रिटन एज, अब ये इंटीग्रेट एग्जैक्ट बन चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इजक्वल टू सी, सॉरी सी। तो यहां वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं आप, और यहां फ्री फ्रॉम एक्स लेते हैं। ओके, करें एम डैश, व्हाट इज एम डैश, वाई की 3/2 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 5/2 प्लस 2y रेस्ट पावर 1/2 अपॉन x रेस्ट पावर 1/2 dx। ठीक है, y कांस्टेंट है यहां, प्लस x n डैश में वो टर्म्स लेनी है जो x की ना हो, तो इसमें भी x पड़ा है, इसमें भी x पड़ा है, तो देर विल बी जीरो, जीरो dy इक्वल टू c। तो n डैश की इसमें सिर्फ वो टर्म्स लेते हैं, आपको बार बार बता चुका हूं मैं, जो x की नहीं है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आप नहीं लेंगे, तो ये बचा आपका। फाइनली अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो वी आर ओनली पेंडिंग विद द इंटीग्रेशन पार्ट। इंटीग्रेशन सोल्व, तो y रेस्ट पावर 3/2 बाहर, x रेस्ट पावर -5/2 dx प्लस 2y रेस्ट पावर 1/2 बाहर, कॉन्स्टेंट है बच्चों, x की पावर -1/2 dx इक्वल टू c। ये देख लीजिए, y की पावर 3/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, x की पावर -5/2 हो जाएगा ये, और 2y की पावर 1/2 बाहर, कॉन्स्टेंट है दोनों, x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर एक ज्यादा और उसी से डिवाइड करते हैं। पावर एक ज्यादा और उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सोल्व होके मैं लिख रहा हूं, ये -3/2 आएगा तो -2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, वाई की पावर 3/2, एक्स की पावर -3/2 प्लस 2y की पावर 1/2, सॉरी 2 नहीं है, 4 आएगा, 1/2 पलट के 2/1 हो जाएगा, तो ये, और x की पावर 1/2 इक्वल टू c। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो -2/3 y की पावर 3/2 अपॉन x रेस्ट पावर 3/2 प्लस 4x रेस्ट पावर 1/2 y रेस्ट पावर 1/2 इक्वल टू c। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, ले लेते हैं एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा एलसीएम भी ले लेते हैं। तो यह आया आपका, तो -2y^3/2 प्लस 12 एक्स की बार 3/2 भी एलसीएम में मैं ले रहा हूं, तो ये एक्स की बार 1.5 यहां है, हाफ यहां है, तो जब एलसीएम लेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1/2 इक्वल टू 3 एक्स रेस्ट पावर 1/2 सी, या 3 सी एलसीएम ले लिया मैंने, सॉरी 3 एक्स रेस्ट पावर 3/2 कॉमन एलसीएम ले लिया, सॉरी 3 एक्स रेस्ट पावर 3/2 वो मर्जी है आपकी, कॉमन ले लिया,
सॉरी एलसीएम ले लिया तो यहाँ ये सेम रहा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स की पावर 2 हो जाएगा, वाई की पावर 1/2 सेम, और राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको ठीक ठाक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी नहीं तो आपकी कॉल है। दिस इज योर आंसर फिनिश्ड। तो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा भी क्या, ऑलमोस्ट डबल साइज है आपके टाइप सिक्स का, तो इसके लिए इसका हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं इसका दूसरा क्वेश्चन भी रिकॉर्ड, किसी और एक क्वेश्चन और रिकॉर्ड करके तब मैं इसको भी उसको भी पोस्ट करूंगा। जस्ट मेक श्योर ये टाइप सिक्स वाले क्वेश्चन टाइप थ्री से पहले सोल्व हो जाएंगे काफ़ी, तो आप वहीं से सॉर्ट आउट कर लीजिए, टाइप सिक्स पे आने की जरूरत ही ना पड़े। टाइप सिक्स की सीधी सीधी पहचान है, सारी एल्जेब्रिक पावर्स होंगी, चार टर्म्स होंगी, 2 dx की 2 dy की, तो काफ़ी ईजी है आइडेंटिफाई करना इन क्वेश्चन को। इसके अलावा कोई दिक्कत रहेगी हो इस क्वेश्चन में या कोई गलती हुई हो तो जस्ट पोर्ट इट आउट और मुझे कमेंट में डाल दीजिए या व्हाट्सएप पे डाल दीजिए या मेल में डाल दीजिए, ठीक है। कोई स्टिल कोई डाउटफुल हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लर्न हुआ हो इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी कमी लगे तो जस्ट पोस्ट योर कमेंट्स, नो इश्यूज अबाउट इट, ठीक है। तो टाइप सिक्स को खत्म है, तो नाउ वी हैव डन विद द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास 10 मार्क्स का काम खत्म हो चुका है, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट टोटल 10 मार्क्स की हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है, दैट हैज बिन डन फ्रॉम माई साइड, ठीक है। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेक्चर के एंड में दे रखे हैं, साथ साथ उनकी PDF फाइल आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और बता सकते हैं अपने डाउट्स। ओके।